ध्यान दियो सब मल्टीपल को हम लॉन्ग क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देने कॉस टू पाई बाय 15 मल्टीप्लाई कॉस 4 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15 कॉस 16 पाई बाय 15 इक्वल टू 1/16 नहीं। अब ध्यान देने यो क्वेश्चन तुम लोग लगभग लगभग एग्जाम में नहीं फिक्स है क्वेश्चन हो ध्यान देने यहाँ एवटे कंसेप्ट लगता बाकी कोई लगे कंसेप्ट के लगता है 2 sin θ कॉस थीटा कति हो साइन 2θ होना यह कंसेप्ट मात्र लगता ध्यान देने सब भाग पहले हम के LHA ध्यान देने कॉस 2π/15 है ना मल्टीप्लाई कॉस 4π/15 कॉस 8π/15 कॉस 16π/15 अब के करो भने तलम आज तिमी हेर दिने साइन 2π/15 ले मल्टीप्लाई कर साइन 2π/15 ले मल्टीप्लाई कर नि 2 ले 2 sin 2π/15 ले मल्टीप्लाई कर तर पनि के हुन्छ 2 sin 2π/15 हुन्छ हुँदैन अब हैन माथि अब बाकी सबै लेख त cos 2π/15 किन मल्टिप्लाई गरे भन्ने कुरा अहिले म भन्छु ठीक छ 4π/15 cos 16π/15 ए यहाँ 2 छ 4 8 हुन्छ हैन 8π/15 मल्टिप्लाई cos कति छ 16π/15 ध्यान देने अब हेर 2θ में 2 sin θ cos θ यह बने कति हो साइन 2θ 2 sin θ cos θ मतलब साइन 2θ 2 sin θ cos θ यो θ मान 2 sin θ cos θ कति हुन्छ साइन 2θ हुन्छ हुँदैन मतलब साइन 2 आ ठीठा बने को 2π/15 15 भो नहीं अब के बच्चों कस 4π/15 कस भन भन 8π/15 कस 16π/15 अब हेन तल के 2 sin 2π/15 सीम्पल से ध्यान दे लगभग हमें प्रूफ भैया लगभग अब 2 × 2π बने को कति हुन्छ साइन 4π ध्यान देने मतलब साइन 4π/15 अनि यता के छ कस 4π/15 फेरि कस 8π/15 कस 16π/15 अनि तलमा के छ रे 2 sin 2π/15 अब ध्यान देने साइन थीटा कस थीटा यो 15 4π/15 भनेको थीटा को फर्म छ नि साइन थीटा कस थीटा साइन थीटा कस थीटा अगाडि मा 2 भयो भने साइन 2 थीटा हुन्छ हुँदैन त्यसैले मैले के गरे भने तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए ठीक छ यहाँसम्म गर त फर्स्टमा अब यो 2 साइन थीटा कस थीटा को फर्म गयो नि मतलब के भयो साइन 2 थीटा साइन 2 × θ भनेको 4π/15 अब त्यस्तै कति बच्चो कस 8π/15 अनि कस 16π/15 ठीक छ नि ध्यान दिने कि यो त क्वेशन सर एग्जाम फिक्स हो 2 sin 2π/15 हैन अब हैन क्या हुन्छ 4 ल 2 ल ए 2 × 2 ल 2 × 2 भनेको एकचोटि 4 लेख अब हेर माथि कति बच्चो साइन 2 × 4 = 8π/15 अनि कस 8π/15 अनि फेरि कस 16π/15 भयो नि अब हेर्नु तलमा कति छ 4 sin 2π/15 अब ध्यान दिनु साइन थीटा कस थीटा सक्छ नि साइन थीटा कस थीटा अगाडि 2 थप्दियो भने के भइहाल्छ 2 sin θ cos θ 2 sin θ cos θ फर्ममा गयो भने फेरि के लेख्न पाउँछ हामी साइन 2θ मतलब साइन 2 × θ को ठाउँमा के लेख्छौ 8π/15 अनि यहाँ के छ कस 16π/15 ठीक छ नि अब हेर्नु तलमा 4 छ ए यहाँ माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु तर पनि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन अनि 2 पर्दा अहिले ल अनि साइन कति छ 2π/15 ल बुझ्दैछौ नि मजाले
सीम्पल था कि कुछ गाड़ो छेन अभी साइन कति भो 16 पापा 15 अभी कस 16 पापा 15 होता बुझे हो तल में कति 8 साइन 2 पापा 15 अब ध्यान दो साइन थीटा कस थीटा साइन थीटा कस थीटा अब अगाड़ी में तुम्हें 2 थप दिए 2 साइन थीटा कस थीटा अगाड़ी 2 थपे तल पर 2 थप्न पर्च ध्यान देने अब कति भयो माथि 2 साइन थीटा कस थीटा 2 साइन थीटा कस थीटा भनेको साइन साइन 2 इंटू थीटा भनेको 16 पापा 15 तल में कति 2 अधि 2 एट 16 ध्यान देने 16 साइन 2 पापा 15 छ ठीक छ नि प्रूफ कति गर्नु पर्ने थियो 1/16 ध्यान देने 1/16 यदि प्रूफ गर्नु छ मतलब हाम्रो अगाडि में तो 1 छ यहाँ तो 1/16 आइदियो ठीक छ नि अब बाकी जो कुरा बाकी जो तुम ध्यान देने है ना बाकी जो माथि साइन 2/16 32 पाए बाय 15 अनि तल में साइन 2 पाए बाय 15 अब ध्यान देने यो त आइहाल्यो यो क्यान्सल दिनु पर्यो यो कट सधैँ बच्छ मलाई त यति माथि चाहियो नि यसलाई कसरी काट्छु दिमाग लगाऊ कसरी गर्छ भने ध्यान देने माथि 1/16 ठीक छ साइन यो 32 पावर 15 छ नि ध्यान दियो 15 2 जा कति हुन्छ रे 30 अनि प्लस 15 2 पाए यहाँ मानिहाल अब हेर 15 × 2 पाए भनेको 30 पाए प्लस 2 पाए 32 पाए ध्यान दिने 32 पावर 15 ला मैले 15 × 2 पाए 15 × 2 पाए अनि यता 2 पाए गर्न सक्छु मतलब 15 2 जा 30 30 पाई प्लस 2 पाए 30 पाई प्लस 2 पाए 15 मतलब 32 पाए 15 मतलब मैं 32 पाए 15 ला मैं 2 पाए प्लस 2 पाए 15 कर मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ ल ध्यान दिनु त्यसो भयो अब ध्यान दिने बुझ लगभग हाम्रो भइसक्यो हैन अब साइन के छ 2 पाए 15 छ नि अब ध्यान दिने यहाँ 1/16 अब हेर साइन 2 पाए भनेको 360 यो 360 प्लस थीटा को फर्म छ नि सक्छ न 360 प्लस थीटा छ नि 2 पाए भनेको कति हुन्छ 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा कुन क्वाड्रेन्ट में पर्छ कुन में पर्छ अरे गधा त्यसैले भन्दै थिए क्लास 9 में मलाई घुमाउँदै थिए ध्यान दे यो भनेको 90 माइनस थीटा हो नि यो भनेको 90 प्लस थीटा अर्को भनेको 180 माइनस थीटा यो भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट 180 प्लस थीटा अनि 270 माइनस थीटा हो गयो न फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको तिम्रो 270 प्लस थीटा हो 360 माइनस थीटा हो फेरि यहाँबाट 360 प्लस थीटा कहाँ पर्छ फर्स्टमा अनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज पोजिटिभ साइन कस ट्यान कस एक्स सेक सब के हुन्छ पोजिटिव हुन्छ हुन्छ हुँदैन नि त्यसो भए साइन 2 पाए प्लस थीटा भनेको साइन 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट में साइन के हुन्छ पोजिटिव पोजिटिव हुन्छ अनि 360 में साइन तो चेंज हुँदैन साइन को साइन ही हुन्छ अनि थीटा मतलब 360 प्लस 2 पाए 15 छ भने साइन थीटा हुन्छ साइन 2 पाए 15 आ तल में कति साइन 2 पाए 15 छ नि यो कटो 1/16 आरएचएस प्रूफ बगे न स्कूल में यह प्रोसेस थे होला थियो यो प्रोसेस रे स्कूल में यह प्रोसेस कराऊदेन मैं ठा यो प्रोसेस थियो स्कूल में लक्ष्मी स्कूल में कस जो प्रोसेस क्वेश्चन छी क्वेश्चन ने अगड़ी चेंज करते लगे गई होगा होना तर मैं दिमाग लगा मेरे एवटे नियम छ सर्टकट ट्रिक भन्छ विद्यार्थी बुझिहाल काम खत्म लोलो पोतो दिमाग लगाउनु पर्दैन भनिदिए बुझ्यो कि बुझेन तिमी बुझ्यो मतलब मेरो काम भइहाल्यो बुझेन भने पनि बुझाउँछु तर कुरा त्यही पढाउँछु बुझ्यो नि किनभने यो ट्रिकी वाइज छ यसमा दिमाग लगाउनु पर्दैन जस्ट यदि दिमाग लगाउने कि माथि कस छ भने साइनले तल माथि मल्टिप्लाई गर्ने अनि 2 साइन थीटा कस थीटा हुने बित्तिकै साइन 2 थीटा हुन्छ भनेर गर्ने ठिक छ गर किन कस 2 पावर 15 कस 4 पावर 15 कस
सेवेन पाए फिफ्टीन जान पाए टू पाए फोर पाए नहीं तो बुझी हालने एवटे तरीका से अगि कस टू पाए फिफ्टीन फोर पाए फिफ्टीन एट पाए फिफ्टीन सिक्सटीन पाए फिफ्टीन थी अलग पाए फिफ्टीन टू पाए फिफ्टीन फोर पाए फिफ्टीन से मतलब एवटा फर्मुला मत लग पूरे संसार में बाकी कुछ लगे जान टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा जान लास्ट तिमी को लास्ट यो लगने यो बाट बनी हाल बुझ तो स्कूल में के इसलिए अगड़ी गर्दै जान मैं सीखी बुझ बाकी तिमी को इच्छा बुझेन भाई मैं भन्न ध्यान दिने एलएचएस में ध्यान दौ है के कस पाए बाय फिफ्टीन कस पाए बाय फिफ्टीन कस टू पाए बाय फिफ्टीन कस फोर पाए बाय फिफ्टीन छ नि अब ध्यान देने अभी के लास्ट में कस सेवेन पाए बाय फिफ्टीन अब ध्यान देने अगाड़ी मैं साइन पाए बाय फिफ्टीन ने मल्टिप्लाई करूँ पर्छ किनभने मैं यही फर्मुला में जान्छ यो टू साइन थीटा कस थीटा ध्यान देने अब यहाँ के भैया कस टू पाए सरी साइन पाए फिफ्टीन तो मैं थपे नहीं रे तल थप्छु थप्दी न तल पर्च थप्न पर्च अति के बच्चा कस पाए फिफ्टीन कस टू पाए फिफ्टीन कस फोर पाए फिफ्टीन कस सेवेन पाए फिफ्टीन ठीक अब जान साइन थीटा भो साइन थीटा कस थीटा तर अगाड़ी में टू तो छेन टू के करने हाल दिन अब हे टू साइन थीटा कस थीटा बने को साइन टू थीटा मतलब के भो साइन टू इंटू थीटा को ठा में के पाए पंद्रह अता फिर कस टू पाए फिफ्टीन कस फोर पाए फिफ्टीन कस सेवेन पाए फिफ्टीन हो गए ना आ तल में कति सर टू साइन पाए बाय फिफ्टीन सकिस न अब माथि कति बचाइयो साइन टू पाए बाय फिफ्टीन भयो अनि ता कस टू पाए बाय फिफ्टीन फिर कस फोर पाए बाय फिफ्टीन कस सेवेन पाए बाय फिफ्टीन ठीक छ नि तल में कति छ टू साइन पाए बाय फिफ्टीन अब हेर साइन थीटा कस थीटा साइन थीटा कस थीटा के फर्म में तल मत के टू ले मल्टिप्लाई कर दिने अब हेर टू साइन थीटा कस थीटा मतलब साइन टू थीटा टू साइन थीटा कस थीटा बने को साइन टू थीटा साइन टू थीटा मतलब साइन टू आ थीटा को ठाकुर में क्या टू पा बाय फिफ्टीन होते मल्टिप्लाई के बच्चों कस फोर पा बाय फिफ्टीन कस सेवेन पाए बाय फिफ्टीन आ तल में कति तल में कई फोर साइन पाए बाय फिफ्टीन ल यहाँसम कर पैला ध्यान दे अब साइन टू इंटू टू पाए फिफ्टीन बने कति हो साइन फोर पाए बाय फिफ्टीन तस्ते कस फोर पाए बाय फिफ्टीन अभी यहाँ के कस पाए बाय सेवेन सेवेन पाए बाय फिफ्टीन तर कति सर टू साइन पाए बाय फिफ्टीन ए टू छेन फोर छेन जान अब फिर यहाँ के करूँ पर्च टू ने तल मत मल्टिप्लाई करूँ पर्च टू साइन थीटा कोस थीटा को फर्म में जान हो गए नाने मतलब फिर साइन टू थीटा टू इंटू फोर पाए बाय फिफ्टीन बुझे अभी फिर कस सेवेन पाए बाय फिफ्टीन हो गए नरे टू फोर जा एट साइन पाए बाय फिफ्टीन अब ध्यान देने ये बने को साइन टू फोर जा एट पाए बाय फिफ्टीन कस सेवेन पाए बाय फिफ्टीन तल में कति एट साइन पाए बाय फिफ्टीन अब हेर यहाँ एट पाए बाय फिफ्टीन छ यहाँ के सेवेन पाए बाय फिफ्टीन अब कतिजना विद्यार्थी के भन्छ क्वेश्चन नै मिस्टेक छ यहाँ एट आउनु पर्यो अनि सिक्सटीन पाए फिफ्टीन हुन्छ धेरैजना भनिदिन्छ यहाँ एट पाए फिफ्टीन छ बाकी सब ठीक थियो यो थोड़ी सेवेन हुन्छ यहाँ पनि आफै एट गर्दिन्छ बनाइदिन्छ त्यो गल्ती हो क्वेश्चन ठीक छ बुझ्यो नि त प्रोसेस म भन्दै छु ध्यान दिने हेर यहाँ तिमी साइन फिफ्टीनलाई मैले
फिफ्टीन पाई माइनस सेवेन पाई गलत सकिन फिफ्टीन पाई जा फिफ्टीन पाई माइनस सेवेन पाई फिफ्टीन माइनस सेवेन बने को एट हो तो मतलब एट ला मैं पाई माइनस सेवेन पाई बाई फिफ्टीन कर सकता हो गए ना फिर कस सेवेन पाई बाई फिफ्टीन तल में कति छ एट साइन पाई बाई फिफ्टीन अब ध्यान दूर पाई बने को वन एटी हो थ्री सिक्सटी हो वन एटी तो साइन वन एटी माइनस थीटा साइन वन एटी माइनस थीटा का फॉर्म में सकते ना साइन वन एटी माइनस थीटा का फॉर्म में ये के हो साइन वन एटी माइनस थीटा बने को सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पोजिटिव होनी साइन थीटा हो मतलब पाई माइनस सेवेन पाई बाई फिफ्टीन मैंने के हो साइन थीटा मतलब साइन सेवेन पाई बाई फिफ्टीन अनि यहाँ पनि कस सेवेन पाई बाई फिफ्टीन अनि यहाँ तल में के एट साइन पाई बाई फिफ्टीन ठीक छ बुझियो अब हेर तल माथि मैले टूले मल्टिप्लाई कर दिए अब हेर टू साइन थीटा कस थीटा टू साइन थीटा कस थीटा का फर्म में मतलब साइन टू थीटा को ठाउँमा सेवेन पाई बाई फिफ्टीन एट टू जा सिक्सटीन साइन पाई बाई फिफ्टीन अब ध्यान देने वन बाय सिक्सटीन तरह से ध्यान देने माथि अगर वन छ रे वन बाय सिक्सटीन मल्टिप्लाई साइन टू इंटू सेवेन कते हुन्छ फोर्टीन पाई बाई फिफ्टीन तल साइन पाई बाई फिफ्टीन ये कट कट्दैन काट्ने लायक बनाउनु पर्छ ध्यान देने वन बाई सिक्सटीन साइन अभी पाई माइनस पाई बाई फिफ्टीन करना मिल्छ फिफ्टीन पाई जा फिफ्टीन पाई माइनस पाई बने फोर्टीन पाई मतलब फोर्टीन पाई बाई फिफ्टीन मैं पाई माइनस पाई बाई फिफ्टीन करना मिल्छ मिल्दैन तल में जे कदा तिम्रो ये मात्र चाहिए नि यो बुझ्न नि यो मात्र चाहिए जसरी पनि काट्ने पर्छ नि तिमीसँग दुईटा अप्सन छ के अप्सन छ भने साइन कहाँ कहाँ पोजिटिव हुन्छ हंड्रेड एटी माइनस थीटा में साइन हंड्रेड एटी माइनस थीटा में पोजिटिव हुन्छ नि मतलब या तो तिमी पाई माइनस थीटा गर या तिमी साइन थ्री हंड्रेड सिक्सटी प्लस थीटा में के हुन्छ पोजिटिव हुन्छ या तो तिमी के गर साइन टू पाई प्लस थीटा गर किनभने साइन पाई माइनस थीटा र साइन टू पाई प्लस थीटा यो दुईटा कंडीशन में मात्र तिम्रो साइन प्लस हुन्छ तो यहाँ मैं के सोचे टू पाई को तो काम छेन पाई माइनस कर दी तो पाई माइनस अब पाई माइनस के करने तो मैं तल मत सेम कट अरे तो पाई माइनस पाई बाई पंद्रह कर चेक करो पाई माइनस यो पाई बाई पंद्रह लेखकर चेक कर कति हो फिफ्टीन पाई माइनस पाई बने को फोर्टीन पाई बाई पंद्रह बुझे सक छ बुझ नि ट्रिक हो कि अब मैं कसरी था कि टू पाई प्लस थीटा हो कि पाई माइनस थीटा मैं चेक करें मलाई यति त थाहा छ नि कि एन्सर हाम्रो आइसकेको छ एन्सर थाहा यहाँ नै आएको छ बाँकी यो दुईवटा काट्नु छ अब कट्छ कसरी तल माथि साइन त साइन रहन्छ कट्छ कसरी दुईवटा उपाय छ या त साइन पाई माइनस थिठामा लिएर जाऊ या त साइन टू पाई प्लस थिठामा लिएर जाऊ किनभने यो दुईवटा कुरामा मात्र तिम्रो साइन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब ध्यान दिने चेक गर पाई माइनस पाई बाई पंद्रह गर किनभने पाई माइनस पाई बाई पंद्रह गर्छ मतलब के भयो कि साइन पाई माइनस पाई बाई पंद्रह मतलब साइन पाई माइनस थीटा का फर्म में साइन पाई माइनस थीटा बने को साइन थीटा मतलब यहाँ साइन थीटा आई दिशा मैं के पाई माइनस पाई बाई फिफ्टीन कर दिए अब निस्को निस्क न अब ध्यान दे बुझे कि छैन ध्यान दिन हे मतलब हम अब वन बाय सिक्सटीन अब साइन पाई माइनस थीटा बने को साइन थीटा बुझे साइन पाई बाई फिफ्टीन तर अपनी साइन पाई बाई फिफ्टीन वन बाय सिक्सटीन आर यच एस हेन्स प्रूफ लेख वन प्लस कस पाई बाई एट वन प्लस कस थ्री पाई बाई एट वन प्लस कस सेवेन पाई बाई सेवेन छैन फाइव छ फाइव पाई बाई एट वन प्लस कस सेवेन पाई बाई एट अब हेर मैले यस्तै क्वेशन सायद मल्टिपल एंगल चैप्टर में पढ़ाएको छु बुझे नि त्यसको त भिडियो पनि उपलब्ध छ हैन वन प्लस कस
पाई बाय एट चेंज ना करने, वन प्लस कॉस देखने, थ्री पाई बाय एट चेंज ना करने, क्वेश्चन है भाई ये शुरू में पाई मात्र है ध्यान देना, पाई बाय एट कॉस थ्री पाई बाय एट वो चेंज ना करने बुझे ना, जैसे अपनी पाई बाय एट और थ्री पाई बाय एट लाए चेंज ना करने, जून सुखे कंडीशन आए हालो चेंज ना करने, भाई ने मैंने छोड़ दिने क्वेश्चन तो चेंज ना करने, ध्यान देना कॉस और है ना एट पाई माइनस थ्री पाई बने को फाइव पाई हो जाते ना, अब कसरी बोलेंगे थ्री पाई पाई माइनस थ्री पाई बाई एटे हो क्यों यो दुटा फाइव पाई बाई एट आ सेवेन पाई बाई एट यो दुटा चेंज कर सो नहीं यो दुटा को जब चेंज कर सो यही दुटा को फर्म आने पड़ो कन्फर्म या तो यहाँ पाई बाई एट हो या थ्री पाई बाई एट हो अरे पाई माइनस कर पाई माइनस थ्री पाई बाई एट करने वाले फाइव पाई बाई एट आउट आदि ध्यान दे वन प्लस कस पाई माइनस पाई बाई एट कति आँच एट पाई माइनस पाई बने को सेवेन पाई बाई एट ठीक छ वन प्लस कस पाई बाई एट वन प्लस कस थ्री पाई बाई एट वन कस पाई माइनस थीटा बने को माइनस कस थीटा सुताई दिन्छु भाइ म तिमीलाई प्यारले भन्दैछु यो पढाउने बेला पानी छान दिने काम नगर आ तिमी किन पानी लिँदै छोड्यो यदि सुताई दिन्छु गर्मीमा बुझ्यो बुझेन ध्यान दिने यो तिम्रो स्कुलको कोचिङ होइन यो हाम्रो पर्सनल होइन भनिरहेको सबै जान्दैन वान प्लस कस पाई माइनस थिटाको फर्ममा छ नि कस पाई माइनस थिटा भनेको माइनस कस थिटा बुझाउँदैन कसरी हुन्छ त्यही त सोधियो म सोध्छु नि भन्छु सोधियो अब आफू सोध्नु पऱ्यो नि त कस पाई माइनस थिटाको फर्ममा छ नि यो सक्दो छैन रे पाई माइनस थिटा भनेको हन्ड्रेड एट्टी माइनस थिटा यो पर्छ कहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ कस निगेटिभ हुन्छ त्यसैले कस पाई माइनस थिटा भयो भने माइनस कस थिटा हुन्छ बुझ्यो त्यस्तै वान माइनस यहाँ कस फाइभ बाई एट हुन्छ बुझ्यो नि अब क्लास एट नाइनमा पढ्ने कुराहरू जब पढेको छैन अलिकति म भनिदिन्छु अब पुरै पढेकै छैन ट्रिगोनोमेट्री एटैदेखि बुझेकै छैन त्यो त्यसको सबै हिसाब माथिबाट गइदिन्छ कन्फर्म बुझ्यो नि तिम्रो पनि माथिबाट जाँदैछ छैन नि ध्यान दिने वान प्लस कस फाइभ बाई एट वान माइनस कस फाइभ बाई एट ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कस स्क्वायर बाबा एट ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ वान प्लस कस थ्री पाबा एट वान माइनस कस थ्री पाबा एट ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर कस स्क्वायर थ्री पाबा एट हुन्छ हुँदैन नि अब वानको स्क्वायर त वानै हुन्छ हटाइदिनु वान माइनस कस स्क्वायर थिटा भनेको साइन स्क्वायर थिटा हो कि होइन साइन स्क्वायर पापा एट यहाँ पनि साइन स्क्वायर के हुन्छ थ्री पापा एट बुझ्यो रे बुझेन ज्ञान अब तिमीहरू एउटा क्वेसन पढेको थियो 99 पर्सेन्ट बुझिने फर्मुला कुन हो टू साइन स्क्वायर थिटा भनेको वान माइनस कस टू थिटा कस के हुन्छ टू थिटा बुझ्यौ नि तिम्रो भाइ जिब्रो पिछ्लिँदैछ हातमा लिइहाल्छु नि लट्ठी अनि थाहा हुन्छ टू साइन स्क्वायर थिटा भनेको वान माइनस कस टू थिटा यहाँ साइन स्क्वायर थिटा मात्रै छ अब यदि हाम्रो साइन स्क्वायर थिटा मात्रै भयो भने वान माइनस कस टू थिटा भयो टू हुन्छ साइन स्क्वायर थिटा छ भने वान माइनस कस टू इन्टु थिटाको ठाउँमा पाए भए एट तलमा के हुन्छ अरे टू त्यस्तै साइन स्क्वायर थिटाको फर्ममा छ नि त्यो वान माइनस कस टू थिटाको ठाउँमा के छ थ्री पापा एट तलमा टू हुन्छ हुँदैन ल अब ध्यान दियो लगभग हाम्रो भइहाल्यो त्यो वान माइनस कस टू फोर दा हुन्छ हुँदैन पाई बाई फोर हुन्छ नि पाई बाई फोर बनेर कस 45 डिग्री त्यस्तै वान माइनस टू फोर जा हुन्छ नि कस थ्री पाई बाई फोर
थ्री पाई बाई फोर बने कस एक से पैंतीस डिग्री तल में टू टू सा फोर ठीक सा। अब जाने भैया लगभग है ना के वन माइनस कस पैंतालीस बने वन बाय तस्ते वन माइनस कस एक सौ पैंतीस बने माइनस वन बाय रुट टू तो माइनस माइनस के बनी प्लस वन बाय रुट टू तल में फोर ए माइनस बी ए प्लस बी को फर्म में वन माइनस वन बाय रुट टू वन प्लस वन बाय रुट टू छे तो के अब ए माइनस बी ए प्लस बी बने ए को स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर तल में के वन माइनस वन बाय रुट टू कस बने वन बाय टू तल में फोर टू वन जार टू माइनस वन बने वन बाय टू तल में फोर मतलब वन बाय एट प्रूफ भयो नि। आज यहाँ समाते बुझ्यो नि पूरा गर्मी लाग्दैछ ठीक छ।